गर्मियों में सत्तू ड्रिंक पीना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे मैंने दो तरीके से सत्तू को बनाया है, नमकीन जो पीने में बहुत ही ज्यादा चटपटा टेस्ट देता है, और मीठा जो पीने में बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और कूलिंग टेस्ट देता है। ये जौ का सत्तू पीने से शरीर को होते हैं बहुत सारे फायदे, किसी भी किराना शॉप से आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए आज मिलके बनाएंगे जौ सत्तू का ड्रिंक। जौ का सत्तू पीने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। इसके बहुत सारे शरीर को फायदे होते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है और शरीर को कूलिंग भी देता है। पहले हम बनाएंगे नमकीन सत्तू। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच सत्तू पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे, उसके बाद हमें और पानी ऐड कर देना है। इसमें किसी भी तरह के लम्प्स वगैरह नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के घोलने के बाद मैंने बाकी का पानी इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर 1 गिलास सत्तू बना रहे हैं तो उसके लिए 2 चम्मच सत्तू का पाउडर काफ़ी रहेगा। अब इसमें टेस्ट के लिए मैंने डाली है थोड़ी सी कच्ची प्याज, साथ में हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, जो मैंने जीरे को भून के बनाया है। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और साथ में ही थोड़ा काला नमक डालेंगे टेस्ट के लिए। ऊपर से डालिए थोड़ी सी आइस और ठंडा ठंडा जौ का सत्तू तैयार है। ये काफी चटपटा सा लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। गर्मियों में आप भी जरूर बना के पिए, इससे शरीर को बहुत ही ठंडक मिलती है और गर्मियों में लू से भी बचे रहेंगे। ये जौ का सत्तू गर्मियों में पीने से इंस्टेंट एनर्जी तो हमें मिलती ही है, साथ में इससे आप वेट लॉस भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे जौ के सत्तू का यूज़ किया है। आप चाहें तो चने का सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो रोस्टेड चना आते हैं, बस उन्हीं को मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेना है और उसका हमें इस तरह से ही ड्रिंक तैयार करना है। बहुत ही इजीली आप चने का जौ का सत्तू बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको नमकीन बनाइए, चाहे तो मीठा बनाइए। मैंने नमकीन बनाया है, बहुत टेस्टी बना है। और अब मैं बनाऊंगी मीठा सत्तू ड्रिंक। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास, 2 चम्मच इसमें सत्तू पाउडर ऐड किया है। उसके बाद इसको मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे देसी खांड का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें शुगर या फिर जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा लेमन जूस और फिर डालेंगे इसमें ठंडा ठंडा पानी और थोड़ी सी मैंने इसमें आइस डाली है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो बस ये ठंडा ठंडा मीठा सत्तू का ड्रिंक तैयार है। बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। अगर धूप में कहीं जाना पड़ रहा है तो घर से निकलने से पहले ये सत्तू ड्रिंक जरूर पिए, इससे आप लू से भी बचे रहेंगे और हेल्थ के जो बेनिफिट होंगे वो अलग। मुझे तो ये दोनों ही ड्रिंक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी लू से और इस गर्मी से बच सके। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।